हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना और मैं हूं राजीव। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री को लेकर आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि टाटा की गाड़ियाँ अभी न खरीदें, क्योंकि अभी मिस्त्री को निकाल दिया गया है। भरसक यह चुटकुलेबाजी है। देश के सबसे बड़े 148 साल पुराने औद्योगिक घरानों में से एक टाटा समूह को विगत कई वर्षों से रतन टाटा ने संभाला और आगे बढ़ाया, लेकिन 4 साल पहले उन्होंने साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर खुद सेवानिवृत्ति ले ली। कारोबार से रतन टाटा भले प्रत्यक्ष तौर पर दूर हो गए हों, लेकिन औद्योगिक नीतियों, सरकारी कामकाज, व्यापार, निवेश आदि पर उनकी टिप्पणियां आती रहीं और लोग उनका संज्ञान लेते रहे। युवा कंधों पर टाटा समूह की जिम्मेदारी रखते वक्त बोर्ड के सदस्यों को उम्मीद थी कि साइरस मिस्त्री कारोबार को पहले से कहीं अधिक मुनाफे की ओर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साइरस केवल मुनाफे वाले बिजनेस पर ध्यान दे रहे थे और नॉन प्रॉफिट बिजनेस बेचने वाले थे। इससे यूरोप का स्टील बिजनेस भी ऐसा था जिसे बेचा जा रहा था, जिसे रतन टाटा ने ही खरीदा था। कुछ देश दुनिया की आर्थिक परिस्थितियां, कुछ मिस्त्री की अनुभवहीनता टाटा समूह के लिए नुकसानदायक साबित हुई और अचानक एक दिन साइरस मिस्त्री को बोर्ड ने बैठक बुलाकर टाटा कर दिया। टाटा समूह के चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री की बर्खास्तगी की खबर से केवल उद्योग जगत ही नहीं बल्कि देश भी हैरान रह गया। साइरस टाटा समूह के सबसे छोटे युवा चेयरमैन थे और उनकी नियुक्ति अगले 30 वर्षों के लिए की गई थी। इस तरह की अप्रत्याशित विदाई के लिए साइरस बिल्कुल तैयार नहीं थे और फिर हुआ वही जो इतिहास से लेकर अब तक होता आया है, यानी सत्ता को लेकर खानदान में लड़ाई। वैसे बता दें कि मिस्त्री भारतीय निर्माण कंपनी श्यामपुंजी पैलोनजी के मालिक पैलोनजी मिस्त्री के छोटे बेटे हैं और टाटा परिवार से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं। टाटा समूह अपने कर्मचारियों की नौकरी की गारंटी के लिए देश भर में मिसाल था। उसी कंपनी के चेयरमैन को एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब साइरस मिस्त्री ने रतन टाटा और कंपनी के दूसरे लोगों पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। बोर्ड के फैसले के अनुसार नए उत्तराधिकारी के चयन तक एक बार फिर रतन टाटा ने टाटा की कमान संभाली है ताकि निवेशकों का भरोसा वापस लौटे। लेकिन साइरस मिस्त्री इसे साजिश बता रहे हैं और अब बात कोर्ट तक जा पहुंची है, जिसका नुकसान कारोबार पर पड़ना स्वाभाविक है। तो देश को नमक के स्वाद से लेकर नैनों का ख्वाब देने वाला टाटा समूह 148 साल के अपने इतिहास में पहली बार बड़े विवाद में फंसा है। टाटा समूह की 85 देशों में 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं और अधिकतर कारोबार विदेश से होता है। बतलाया जा रहा है कि पिछले 6 महीनों से रतन से मिस्त्री के मतभेद बढ़ रहे थे। रतन टाटा को लगने लगा था कि मिस्त्री के काम करने के तरीके से कंपनी की परंपरा और इमेज का नुकसान हो रहा है। टाटा संस ने अपने एक वक्तव्य में भी कहा है कि साइरस मिस्त्री के कार्यकाल में टाटा समूह की तहजीब और स्वभाव से बार बार हटकर काम हुए, जिसकी वजह से बोर्ड का विश्वास मिस्त्री में नहीं रहा। कुल मिलाकर टाटा अपने पुराने रतन की कंधों पर है और देखना है कि नए रतन की तलाश कब पूरी होती है। सत्ता और उत्तराधिकार की लड़ाई उत्तर प्रदेश में भी पिछले दिनों खूब नाटकीय तरीके से चल रही है। सवाल यह है कि इस नाटक का निर्देशक कौन है, कौन किसके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर हैं और यदुवंश का संग्राम थम नहीं रहा है। बीते रविवार अखिलेश मंत्रिमंडल से चाचा और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष शिवपाल को निकाला गया। बदले में अखिलेश के समर्थक चाचा रामगोपाल यादव की पार्टी से ही बर्खास्तगी कर दी गई। फिर सोमवार को पार्टी बैठक में मुख्यमंत्री ने बेटे की भूमिका में मंच से भावुक होते हुए अपने नेता पिता के प्रति भावनाएं व्यक्त की और विरोधी बने चाचा से गले भी लगे, लेकिन कुछ क्षणों बाद दृश्य बदल गया था। मंच पर ही चाचा भतीजे के बीच तकरार फिर बढ़ गई और बैठक तल्खियों के साथ खत्म हुई।
मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि सब ठीक है, अखिलेश भी यही कह रहे हैं और शिवपाल भी, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या? गुरुवार को यश भारती सम्मान समारोह में पहली बार मुलायम सिंह यादव शामिल नहीं हुए, जबकि उन्होंने ही उत्तर प्रदेश की विभूतियों को सम्मानित करने के लिए इसकी शुरुआत की थी। हालांकि अखिलेश ने एक अच्छे पुत्र की तरह मंच से कई बार नेताजी को याद किया, लेकिन जब परिवार में सुलह नहीं होगी तो लोग भी पसोपेश में पड़ेंगे कि पिता का साथ दें या पुत्र का। पिता अमर सिंह का साथ नहीं छोड़ना चाहते और पुत्र किसी भी कीमत पर उनके साथ दिखना नहीं चाहता। वैसे विवाद की जड़ माने जाने वाले अमर सिंह ने मुंहबोले भतीजे द्वारा बाहरी, दलाल आदि कहे जाने पर आहत होकर कहा है कि वे शांति के लिए अपनी बलि देने तैयार हैं। हमारे उनके संबंधों के इतिहास को देखते हुए अच्छा होता कि वह हमसे स्वयं बात कर लेते। आज भी मैं कहूं कि पिछले दिनों मैं कलकत्ता गया था, अभी सरकार जी से मैं मिलने गया था। मैंने कोई आनंद बाजार पत्रिका में साक्षात्कार नहीं दिया था, पहला आधिकारिक साक्षात्कार मैं दे रहा हूं, पहली बार मैं अपनी जुबान खोल रहा हूं। अभी बाबू से मिल करके जब मैं निकला तो वहां पर लोगों ने कहा कि हम आपसे अनौपचारिक बात करेंगे। उस अनौपचारिक बात में मैं फिर विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैंने भाई रामगोपाल जी को नपुंसक नहीं कहा। तो देखते हैं कि अमर सिंह की बलि लेने की जुर्रत और हिमाकत कैसे की जाती है। अमर सिंह चाहे खुद को कितना ही यादव परिवार का बताएं, अखिलेश यादव उन्हें बाहरी मानते हैं और मानते रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके कहने पर एक अखबार में उन्हें औरंगजेब की संज्ञा से विभूषित किया गया। इतिहास के इस सफल लेकिन क्रूर और कुछ बातों के लिए कुख्यात मुगल बादशाह से कोई भी अपनी तुलना पसंद नहीं करेगा। फिर अखिलेश की स्थिति तो अभी औरंगजेब की है भी नहीं, जिसने पिता ही नहीं बड़े भाई को भी अपने सिंहासन की आड़ में आने नहीं दिया। अखिलेश तो दरअसल मुगले आजम के सलीम की तरह हो गए हैं, जो अपने पिता से मोहब्बत करने के बावजूद बगावत के लिए मजबूर हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पिता की आज्ञा के आगे झुक जाएंगे, तो राजनीति का करियर भी झुक जाएगा। सच ही कहा है कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।